सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज डे टू सिक्किम टूर का हम लोग गुवाहाटी होटल में है। अभी पूरा लगभग सब सामान चला गया, अभी पैकिंग चल रहा है। मैं भी जाऊंगा नीचे पैकिंग करने। तो आज हम लोग जा रहे हैं सिलीगुड़ी। तो अभी सुबह का 8 बज चुका है और हम लोग अभी निकल चुके हैं गुवाहाटी से। और यहाँ पे अब जो गुवाहाटी का जो रोड है, सुबह सुबह है इसलिए ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल खाली है, तो इसलिए दिक्कत नहीं हो रहा। नहीं तो अगर 9 बजे के बाद होता तो यहाँ पे बहुत बहुत ट्रैफिक होता था। और खाली है बिल्कुल रास्ता, तो जल्दी से निकल जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग आके पहुँचे कामाख्या के सामने में, रास्ता बिल्कुल खाली है। तो आज हम लोग जा रहे हैं सिलीगुड़ी। तो सिलीगुड़ी गुवाहाटी से लगभग 450-460 किलोमीटर एज़ पर गूगल मैप, आगे पता नहीं लेकिन गूगल मैप में जो दिखाता है वही। कभी कभी गूगल बाबा भी धोखा दे देते हैं, तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे जो तवांग के टाइम में भी ऐसे हुआ, तवांग से जो बमडीला से गुवाहाटी आ रहे थे, अब तब दिखाया गूगल मैप में 250 किलोमीटर, लेकिन बाद में वो जो 250 किलोमीटर है वो लगभग 310 किलोमीटर हो गया था। तो ऐसे गूगल की मैप से गूगल बाबा ने धोखा दे दिया था। तो फिलहाल मैं आके पहुँचा हूँ सरायगढ़ ब्रिज, यहाँ पे जो ब्रिज नंबर 2 एग्ज़िट है। यहाँ पे एक्चुअली 2 ब्रिज है, सरायगढ़ ब्रिज मेरे राइट साइड में आप लोग देखते हैं जो वो है ब्रिज नंबर 1, और मैं हूँ ब्रिज नंबर 2 में, ब्रिज नंबर 1 और 2। और ये जो ब्रिज है ये ब्रह्मपुत्र के ऊपर है और बहुत लंबा ब्रिज है, और ये पूरा लाइफलाइन है गुवाहाटी से इंडिया, रेस्ट ऑफ इंडिया के जो कनेक्टिंग है। और ये बहुत लंबा ब्रिज है, लगभग 2.5 मिनट लग जाता है क्रॉस करने में 60 किलोमीटर स्पीड में। तो मैं क्रॉस कर चुका हूँ अभी नॉर्थ गुवाहाटी में, ये जो इसको अमिनगांव भी बोलते हैं, यहाँ पे आके पहुँचे। तो सुबह सिर्फ एक कप कॉफ़ी पी के निकला था होटल से। और हम लोगों का एक्चुअली प्लान जो है जितना जल्दी हो सके इस एरिया से निकलना है, क्योंकि जितना टाइम जाएगा उतना ज़्यादा ट्रैफिक होगा। इसके लिए हम लोगों का जो प्लान है कि भाईहाटा चराली जो होता है वो क्रॉस करके किसी भी जगह में हम लोग रुकेंगे और टिफ़िन वगैरह कर लेंगे। अभी रुके हुए हैं भाईहाटा में, अभी चाय पीने की ज़रूरत है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग निकला, इसके वजह से रूम में सिर्फ एक कप कॉफ़ी पी के निकला था, ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ। तो चाय पी के थोड़ा रेस्ट करके निकलेंगे फिर से। चलो भाई देख लो अंकल जी का मस्त मेकअप हो रहा है, और ये पे दुखे हुए तो सोचा कि उनका मेकअप कर देते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सब्जी भी लेना है क्योंकि आगे जाके टिफ़िन बनाना है, तो किसी भी जगह खड़ा हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पे सब्जी वगैरह कैरोट टमाटर चिली ये सब ले रहे हैं, सामने जाके टिफ़िन कर लेंगे। तो गुवाहाटी से जो सिलीगुड़ी का रोड है, यहाँ पे देखिए ट्रेन, एक पैसेंजर ट्रेन जा रहा है, और ये जो रोड है ये 4-वे लेन मस्त रोड, बिल्कुल स्ट्रेट है। क्योंकि मेघालय से जो आए थे तब भी 4-वे लेन था, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्व्स थे, लेकिन यहाँ पे पूरा बिल्कुल स्ट्रेट है। तो 100-120 में भागने से भी कोई दिक्कत नहीं होता है, बहुत ही मस्त रोड है। ये 4-वे लेन मेरे पीछे, जो 4-वे लेन गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी। हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं संभवानीपुर बोल के एक जगह में है, वहाँ पे रुके हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा टिफिन मैगी बनाया, मैगी बना के अभी खा लिया इसके लिए। तो खाना वाना खा के हम लोग निकल चुके हैं, अभी लगभग 2:30 बज चुका है, और बहुत देर तक हमने राइडिंग किया, तो अभी थोड़ा थकान भी हो रहा है।
तो थोड़ा आगे जाके किसी भी जगह रुकने का मन है तो देखते हैं। और वैसे हम लोग वेस्ट बंगाल बॉर्डर के आसपास से आ चुके हैं, शायद हम लोग लगभग ये गुसाई गाँव पहुँच चुके हैं। किरा घूम दे घूम नहीं है घुमाइता है नहीं घुमाइता है तो लंबा लंबा उन लोगों ने भी मेरा चैनल भी सब्सक्राइब किया और उन लोगों का भी चैनल है आपका यूट्यूब चैनल मेरा हार्ड ब्लॉग है और आपका मेरा रिस्ट ब्लॉग है रिस्ट ब्लॉग थैंक यू। नाउ वी आर एट गुसाई गाँव और ये लुलू मैया का बहुत ही कितना अच्छा लग रहा है और टेस्ट करके देखते हैं मस्त लग रहा है। टिंपू है ना टिंपू। और अभी 3:30 बज चुका है और हम लोग फाइनली एंटर कर चुके हैं वेस्ट बंगाल। तो वेलकम टू वेस्ट बंगाल और अभी थोड़ा रेस्ट करना भी ज़रूरी है तो थोड़ा रुकते हैं फिर निकलेंगे।